से अब तो आज का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, इतनी गर्मी पड़ रही है आज बाहर। कल जो मौसम था वो बहुत अच्छा था, क्लाउडी था, बारिश भी हुई थी तो ठंडा हो गया था। तो आज छुट्टी है इसलिए प्रोग्राम बना कि कहीं आउटिंग पे चलते हैं। तो आउटिंग पे जाने का प्रोग्राम हम दोनों का था कि हम जाएंगे कहीं, थोड़ी बहुत शॉपिंग शॉपिंग करेंगे। बट यही जो बच्चे हैं, खासकर ये उदय प्रताप सिंह, हेलो उदय, से हेलो। तो इसका मूड था कि मुझे जू जाना है, मैंने अभी तक जू नहीं देखा और ये बात सच है। तो बचपन में इन दोनों को मैं काफ़ी बार लेके गई हूँ, काफ़ी बार जैस्मिन को लेके गई हूँ, उदय शायद एक दो बार ही गया है, एक बार गया है शायद, पर उसको भी याद नहीं है कि कैसा है वो जू, उसने कभी देखा नहीं है। तो इसका मूड था कि मुझे जू जाना है, तो इसी वजह से हमने ये प्रोग्राम फिर जू का बना लिया। हम लोग लेडीज़ किचन में काम करती हैं, हैबिचुअल हैं गर्मी के, तो ये ऑफिस में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम और घर पे भी ये रूम में ही रहते हैं एसी में। तो जब भी ये बाहर निकलते हैं तो इन्हें बहुत गर्म लगती है, बहुत पसीना आता है। तो आज देखते हैं कि इनकी क्या कंडीशन होने वाली है जब ये धूप में घूमेंगे बाहर। लोग मतलब गन्ना लेते थे और उसको चूसते थे बैठ के, वो एक अच्छी चीज थी। अब लोग मतलब रेडी पे अब जूस पीना भी भूल गए हैं कि नहीं, वो 5-star होटल में पीते हैं 200 रुपए का ग्लास, ये शुगर के अंदर जूस दिया गया। हम नॉर्मल लोग हैं, हम ऐसे ही पीते हैं। कहती है कि मुझे गन्ने का जूस नहीं पीना, मतलब इसने पिया नहीं। कहती वो आगे ना रेडी पे मौसमियां पड़ी है, मुझे मौसमी का जूस पीना है। जब हम लोग आगे पहुंचे तो कहती क्या कहती, ये तो अमरूद। वहां में मौसमी थी ही नहीं, वो थे अमरूद। तो आप जैस्मिन का जूस कैसे जो मिल रहा था वो मिल लिया। हाँ, और बाकी से भी हाथ धो लिया। ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਓ ਪਲੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲਾ ਹੀ ਦੋਗੇ, ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਦੋਗੇ 2-3 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਦੇ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਿਡ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੀ ਸੌ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਟਾਈਗਰ, ਹੈ ਨਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। Sunbath because of Uday. यहाँ पे ये टाइगर्स भी चल कर रहे हैं पानी में, हमें हमें बेवकूफिया कि हम ऐसे घूम रहे हैं और हम धूप में घूम रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे पहले ये रूल था कि आप गाड़ी अंदर लेके जा सकते हो क्योंकि जू बहुत बड़ा है, तो इतना पैदल चलने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन 2008 में इन्होंने बंद कर दिया था, गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकती, आपको पैदल ही सारा जू देखना पड़ेगा। अब पर इन्होंने यहाँ पे कार्ड फैसिलिटी दे दी है जिससे कि आप घूम सकते हैं, अपना आप कार्ड बुक करवा सकते हैं और यहाँ पर आप पूरा जू घूम सकते हैं। Oh, oh, oh.
is tired now. Don't want to see now. बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है. चलो कोई बात नहीं, आज गर्मी इंजॉय करो. बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, तुम भी इंजॉय करो. वो गए हैं. हाय हाय, दे आर नॉट लिसनिंग. हे, देख उसने अपने कान कैसे उठाए हैं. दे आर नॉट डॉगीज. आर यू विसलिंग? हाँ, वो टाइगर वाले पार्ट में तो अंदर भेज देते ना तो ज्यादा मजा आता. नहीं, साथ में गन. यू गन क्यों? एनिमल्स को शूट थोड़ा ना करते हैं. बहुत प्रीशियस हैं ये ऑन अर्थ. ओ माय गॉड, कहते मुझे देख लो तुम, इट्स ओके. ऊपर बैठे हो तो सारे उड़ के नीचे. सीरियसली? या, ओह माय गॉड. हाय, वो कह रहे हैं देखो हमारी दीदी आ गई. तुम बुला रहा जैस्मिन? जैस्मिन इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं कि हमें साथ में बैठना है दोनों को, और ये दोनों बच्चे इतने नॉटी हैं कि हमें सीट ही नहीं दे रहे. तो ठीक है, फिर हम बाहर वाली सीट पे बैठ जाते हैं. हम उल्टा बैठ गए. अब गाड़ी उधर को जा रही है और हम इधर को बैठे हैं. एंड वी एंजॉय. खाना सारा मैं घर से ही बना के लेके आई थी. तो क्या बना के लेके आई थी स्नैक्स में और क्या उनकी रेसिपीज़ हैं तो मैंने वीडियो के एंड में शेयर की हैं, आप देख सकते हैं. डू यू लव मी? इतना सोच रहे हो तुम ये बोलने के लिए कि यू लव मी और नॉट? डू यू लव मी? आई लव यू. यू लव मी? अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्या बोला? आई लव यू. सो ये सब कैमरे के सामने ड्रामा है. थोड़ी देर पहले मैंने पूछा कि डू यू लव मी and he said no no. khane ja raha hai shayad. wow, jasmine ko pata hai ki wo nahane ja raha hai. dekha देखा मैंने कहा सुस्ता आ गया अभी हम लेट गए. ये मुझसे ज्यादा है जिन्हें तो यही है, दो तीन बार यही नहा लेता हूँ दिन में. उधर ये तूने बिल्कुल सच कहा, तुझसे ज्यादा हाइजीन है. पास से हो, मैंने बैठना है. साइड हो जा यहाँ से. ये उसको देख रहा, तूने मेरी जगह ले ली. उसको जगह नहीं दे रहा. पहला वो दस गया जरा आदि उसको बोल रहा पास से. देखो अपने साइड हो गया. पहले इससे उन्होंने आदि मानो रखे. वो भाग गया. ओ माय गॉड, वो उससे गुस्सा है. उससे गुस्सा है, कहता मैं जा रहा हूँ बाय. जैस्मिन को सब कुछ पता है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है ना. जैस्मिन जाओ इसके साथ जाके शिकन करके आओ. फिर तो फिर मैं नहीं आऊंगी वापस. अरे कुछ नहीं बोलेगा वो जैस्मिन, ऐसा किसी को कुछ नहीं बोलता. गो एंड शेक हैंड. मैं जाऊंगी पर तेरे लिए खाना कौन बनाएगा बाद में? कुछ नहीं बोलता. दिख रहा है तुम्हें एलिफेंट? हाय एलिफेंट.
they're so large. के लिए सबसे पहले ब्रेड की स्लाइस को काट लिया और फिलिंग रेडी करेंगे. उसके लिए लिया है पनीर क्रश किया हुआ और साथ ही उसमें मैंने फ्रोजन मटर को क्रश करके डाल लिया है. साथ ही ऐड किया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सीजनिंग और रेड चिली फ्लेक्स. अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे. बेलन की सहायता से स्लाइस को थोड़ा सा हम फ्लैट कर लेंगे. उसके साथ ही उसमें स्प्रेड करेंगे हम चीज़ डिप और फिलिंग भी डाल देंगे. अब इसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे. सारे रोल्स के ऊपर हम ब्रश की सहायता से ऑयल लगाएंगे और उनको थोड़ी देर के लिए तवे के ऊपर सेक लेंगे. दोनों तरफ से सेक लेने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं. आप इसको ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं. सेकेंड रेसिपी है वेज रोल. उसके लिए मैंने लिए हैं बॉयल किए हुए पोटैटो जिनको मैंने क्रश कर लिया है और साथ ही मैंने उसमें ऐड किए हैं फ्रोजन मटर, नमक, ब्लैक पेपर और साथ में मैंने डाला है कॉर्न फ्लोर और रेड चिली पाउडर. अब इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे हाथों से. हाथों में थोड़ा ऑयल लगाने के बाद हम इसकी पैटीज बना लेंगे. ब्रश की सहायता से तवे के ऊपर ऑयल स्प्रेड करेंगे और साथ ही इन पैटीज को अच्छे से सेक लेंगे. दूसरी साइड हम रेडी करेंगे वेजीज. उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है पैन में और साथ ही लंबे स्लाइस में काटा हुआ हमने अनियन डाला है और साथ ही कैप्सिकम. उसमें भी हम अपनी मर्जी का जैसे चाट मसाला डाल सकते हैं, सीजनिंग डाल सकते हैं और साथ में थोड़ा सा ऐड किया है विनेगर. सॉटे करने के बाद इन सब्जियों को थोड़ा ठंडा होने के लिए हम रख देंगे. और ये रोटियां मैंने पहले से रेडी करके रखी हैं जिसमें मैंने आधा मैदा और आधा आटा ऐड किया था. और इन रोटियों के ऊपर हम लगाएंगे चीज़ डिप और साथ ही रखेंगे वो पैटी. ऐड कर देंगे वो वेजीज जो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखी हैं और इसको रोल कर देंगे तो हमारे वेज रोल भी रेडी हैं.